मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब के धंधे तो सत्ता के संरक्षण में चल रही है। वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है उसके ऊपर आप मेहरबान क्यों हैं? और मैं जानता हूँ कि वह कोई जदयू के वरिष्ठ नेता का वह संबंधी अपने को बताता है, इसलिए मुख्यमंत्री मेहरबान है। आप नकारा है, आप नकारेपन में यह सारी बातों कर रहे हैं। बड़ी सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार की एक नमूना, जीता जागता नमूना अपने देश में पेश करने का काम। आपने बॉर्डर पर क्या किया? बॉर्डर पर क्यों नहीं चेक करवाया? और बॉर्डर पर जब चेक नहीं हुआ तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? जहाँ जहाँ इनका शराब बेचने का जो कैंप कहिए कि जो जगह बना है, वहाँ से ये सुगम तरीके से पैसे बांधे हुए हैं। बिहार में जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौत हो रही है। सारण के बाद सिवान में लोगों की मौत हुई है। हम बात करेंगे जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, सर क्या कहिएगा? सरकार तो आप लोगों की बात मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, पूरे सरकार की शराब पॉलिसी फेल है, धरती पर नकारा है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीका से व्यवहार कर रहे हैं, जब शराब के बारे में मीडिया वाले भी पूछते हैं तो झल्ला जाते हैं। विधानसभा की उनकी बातों को आपने देखा होगा, किस तरीका से लाल पीले आंख कर करके बोल रहे हैं माननीय सदस्यों से। हमें लगता है कि यह सारे के सारे उनकी जो व्यवस्था है चरमरा गई है, इसलिए वह हताशे में यह बात को रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप भी लगातार संसद में बात रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में तुम तराम की बातें रखी गई, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान और बिहार के बाहर जो लोग विधानसभा के सत्र को देखते हैं, क्या मैसेज गया है यहाँ से? बहुत बुरा मैसेज गया है। यह पूरे गैर संवैधानिक है। वह हाउस में या बाहर भी ऐसे एक मुख्यमंत्री के रूप में या फिर कोई जिम्मेवार पद पर या फिर सामान्य व्यक्ति को भी ऐसे अपनी बातों को, ऐसे जबान को नहीं चलाना चाहिए जिस तरीका से मुख्यमंत्री ने चलाया है। उन्हें सार्वजनिक तौर से बिहार वासियों से माफ़ी मांगना चाहिए कि आप पे गलती से ही सही आपने ऐसे जबान चला दी, और जो इसका एक मैसेज पूरे देश में बिहार के बारे में गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री भी इस तरीका से जबान चलाने वाला मुख्यमंत्री है, जिसका एक असर एक समान रूप से आज के पीढ़ी पर पड़ेगा, पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ेगा, नौजवानों पर पड़ेगा, इसका बुरा असर पड़ेगा। और जहाँ तक शराब की बात है, शराब के धंधे तो सत्ता के संरक्षण में चल रही है। मैं तो मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सारण जिला में यह अभी जो 3 दिन पहले जो घटना घटी है, इसके 3 महीना पहले तो घटना घटी, 3 महीना पहले भी तो यह घटना घटी थी, और उसमें आपने क्या किया? दर्जनों लोग उसमें भी मरे थे। वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है उसके ऊपर आप मेहरबान क्यों हैं? और मैं जानता हूँ कि वह कोई जदयू के वरिष्ठ नेता का वह संबंधी अपने को बताता है, इसलिए मुख्यमंत्री मेहरबान है। और उनके संबंधियों को गलत करने की पूरा छूट है। वह जितना शराब बेचवावे, जितना जहरीली बेचवावे, जितना लोगों को मौत के घाट उतार दें, कोई असर इस सरकार पर नहीं पड़ने वाली है। और सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार की एक नमूना, जीता जागता नमूना अपने देश में पेश करने का काम। आखिरी सवाल हमारा है, ये लगातार जो अब सत्ता पक्ष के नेता है कह रहे हैं कि यूपी से भाजपा वालों ने शराब मंगाई, लोगों की जान ले रही है, भाजपा नेताओं पर केस होनी चाहिए। यह बात सही है, लेकिन आपने जो शराब बंदी कर रखी है तो आपने बॉर्डर पर क्या किया? बॉर्डर पर क्यों नहीं चेक करवाया? और बॉर्डर पर जब चेक नहीं हुआ तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? और जब अधिकारी कुछ नहीं कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? अधिकारियों पर क्या आपने कार्रवाई की? आप नकारा है, आप नकारेपन में यह सारी बातों कर रहे हैं। शराब बंदी है, बॉर्डर से शराब कैसे आ गया? उन अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई किया? उस संबंधित जो एसपी हैं, उस संबंधित क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई आपने की? शराब ले आकर के बेचने के लिए आपने छूट दे रखी है। और सही मायने में कहिए कि हर जगह से जहाँ जहाँ इनका शराब बेचने का जो कैंप कहिए कि जो जगह बना है, वहाँ से यह सुगम तरीके से पैसे बांधे हुए हैं। यह पैसे बांधने की वजह से यह घटना अंजामित हो रहा है। और हर जगह से वो थाना प्रभारी मजबूर है, जो एसपी को पैसा देना पड़ता है। बालू और दारू में सारण जिला तो अव्वल हो गया, और हमें लगता है कि वो एसपी के ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर के एसपी के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। और जनता को निजात देना चाहिए कि बिहार की जनता निजात पाए और बिहार की जनता कम से कम मौत के घाट तो न उतरे। यह करने का काम हमें लगता है कि उनकी मानसिकता, मैं तो उनके कैबिनेट में, मैं प्रथम में जब सरकार बनी थी जंगल राज के खिलाफ, तो मैं उसे कैबिनेट में था, मंत्री थे, मंत्री में था, कैबिनेट में था। और उसके बाद हमें लगता है कि वह दिन, वह सोच, वह व्यवस्था
माननीय मुख्यमंत्री जी साफे अपने अंतर से निकाल दिया है। अब चूंकि कारण भी है वो जंगल राज के साथ हैं, वही जिसके खिलाफ वो सत्ता में आए उसी के साथ आज खड़े हो गए हैं, उसी के साथ गलबहियां कर करके चल रहे हैं, उसी के साथ सच्चा चला रहे हैं। इसलिए जैसी हमें लगता है कि संगत है वैसा ही गुण भी होता है। सर ये बताइए कि संसद का शून्यकाल चल रहा था और पूरी जानकारी प्रधानमंत्री तक भी पहुंची है, क्या आप लोग ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है? और सूचना ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो है बिहार सरकार को जवाब तलब किया गया है, क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री यहाँ आ सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री इस कांड के लिए आवे या न आवे, लेकिन लोकसभा में जब मैटर उठता है तो वह मैटर पूरे देश में चला जाता है और वह देश के हर लोगों के नज़र में वह मैटर आ जाता है। और मैंने तो गृह मंत्री इसे लिख कर करके मिल करके भी कहा है कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय टीम यहाँ भेजिए, इसकी जांच कराइए, क्योंकि जितने अभी वास्तव में संख्या है उस संख्या को भी छिपाने का काम किया जा रहा है, उसको भी वो साक्ष्य को मिटाने का काम किया जा रहा है और यह गलत है। साक्ष्य को मिटाना वास्तविक तरीके से वह पूरे के पूरे वह साक्ष्य और पूरी संख्या तो आनी चाहिए, वह भी मिटाने के लगातार प्रयास में पुलिस प्रशासन मिटा रही है, अस्पताल में मिटाया जा रहा है, लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, या सारी हमें लगता है कि कुकर्म उनके मरने के बाद भी ये किए जा रहे हैं। चलिए 96 दिन पहले भी सारण में घटना हुई थी, वहां पर 18 लोगों की मौत हुई थी और सारण के बाद सिवान में भी लोगों की मौत हुई है। बीजेपी के सांसद को आपने सुना, लगातार हम आपको इन खबरों से अपडेट कराते हैं, बने रहे द बिहार टॉप के साथ, धन्यवाद।